अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ, एक अच्छे एनर्जेटिक व्लॉग के साथ। और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे आप। तो आज जो मैं बता रही हूँ, आज खाने में तो इतना ख़ास कोई अहतमाम नहीं किया। आज हमने खाने में पिज़्ज़ा बनाया और हमने किया बर्गर खाए बाहर से लाके। लेकिन जो हमने बर्गर खाते तो सब है ना, हम भी जाते हैं बाहर, जाते हैं खाते हैं आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं आप दिखाने लगी हूँ। देखिए, बर्गर तो हम लोग सब खाते ही हैं ना, जो बन कबाब होते हैं ठेले वाले, तो वो सब बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि उनका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। आज उसकी मेकिंग दिखाऊंगी मैं। आज जब हम खाने गए तो मैंने कहा यार इसकी मेकिंग भी होनी चाहिए, दिखानी चाहिए। जो उनके हाथों में स्पीड है, कमाल ये है कि उनके हाथों में जो स्पीड है, वो चीज़ें वही सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो स्पीड है और जो उनके मसाले हैं वो एक कमाल कर देते हैं। अगर वही टेस्ट हम घर में लाना चाहें नहीं आता, लेकिन कमाल है उन लोगों का जो स्ट्रीट फूड बना रहे हैं। और वाकई बहुत अच्छा बनाया उस लोने बर्गर, तो उसकी मेकिंग मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और प्लस ये कि मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया वो उसकी मेकिंग आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं, आपसे बातचीत है, साथ साथ बातें चलती रहेंगी। जब मैं बना रही हूँ तो उसमें तो मैं बातें कर ही रही हूँ, आपको रेसिपीज तो बता ही चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा थोड़ी आपसे बातचीत की जाएगी। और जो बला 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 कुछ नहीं समझ आता कभी कभी, तो मैं बला 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 कर देती हूँ। ये मैं बना रही हूँ अपने घर में एक पिज्ज़ा, ये मैं बना रही हूँ पिज्जा। और ये कौन सा पिज्जा है? ये तो बस चिकन फजीता, फजीता चिकन फजीता। और ये इसका तैयार हो रहा है आज, इसमें रख के हम इसको बेक करेंगे। ये इसकी डो है जो अच्छा ने तैयार कर ली है, और इसके बारे में बता दो क्या। हाँ, ये डो मैंने तैयार कर ली है, इसमें आप यीस्ट डाला है, चीनी डाली है और बेकिंग सोडा भी डाला है थोड़ा सा, ताकि वो अच्छा बेक हो जाए। और इसको मैंने डो को बना लिया। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको डो बनाने की रेसिपी भी साथ साथ बताऊंगी, ताकि वो डो आपके सामने बनेगी तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन अभी मैं जो हूँ, आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोस में भी, एक वीडियो मैंने पिज़्ज़ा की भी शेयर की है, तो उसमें भी मैंने डो जो है, जब मैं इमीडिएट पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैं जो हूँ उसके लिए ना नीचे से पेड़े मंगाती हूँ। हमारे नीचे शॉप है वो रोटी की, तो वहाँ से मैं पेड़े मंगा लेती हूँ। ये स्पेसिफिक चीज़ है जो आपसे शेयर करी है। हाँ, आपसे कोई शेयर करेगा नहीं आज तक, कोई भी लोग नहीं शेयर करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस बात को कि जी वो जो है मैं वहाँ से ताफ्तान के पेड़े मंगा लेती हूँ। जब कोई आ रहा हो जल्दी मुझे पिज्जा रेडी करना है तो मैं ये करती हूँ कि पिज्जा मंगाती हूँ ताफ्तान के, पेड़े मंगवाती हूँ ताफ्तान के। और मेरा जो है स्टैंड जो है मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने आयरन स्टैंड इस पर रखा है ताकि वो थोड़ा सा हीट हो जाए। और उस उन पेड़ों से अब आप ये पिज़्ज़ा देखें, आपने वो भी पिज़्ज़ा देखे होंगे मेरे, और अब ये वाला पिज़्ज़ा भी आप देखिएगा कितना अच्छा बनता है। ये डो है उसकी, चूँकि मैं एक ही पिज्जा तो मैं बना दो तीन रही हूँ, लेकिन आपको दिखाऊंगी एक ही पिज्जा देख। हाँ, वो लेंदी हो जाता है। हाँ, वो फिर वो वीडियो पहले से साथ अंतर के चार लगा देंगे अगर पॉसिबल हुआ, अगर ये लेंदी नहीं हुआ तो बस वो दे दे जी। ये मैंने बेस के ऊपर ना वो लगा दी केचप, और अब मैं करने लगी हूँ ये कद्दूकस चीज को। पहले तो मैं इस पे थोड़ी सी चीज इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा सही हो जाएगा मामला। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी ये ना, मेरे हाथ को बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं उठाया नहीं जा रहा। ये मैंने बताया है चिकन में मैंने मसाला जो मैरिनेट किया था वो वही था मसाला, बस उसमें मैंने जेली पैनो और वो उसमें मैंने ओरिगैनो पाउडर और वो डाल दिया था। वो प्याज भी कट हुई रखी है प्लेट में,
क्योंकि वो दूसरा जो है फैजी की पूरी कोशिश है किसी तरह इसकी कवरेज दे दो। मीडिया वाले नहीं होते कवरेज के लिए इधर से उधर घुसते रहते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। हाँ तो 16 साल 17 साल मैंने जो है वो जियो टीवी में काम किया, मीडिया से रिलेटेड था, एसोसिएट था। उसके अलावा 50 से ज्यादा ड्रामे किए मैंने स्टेज एज अ प्रोड्यूसर। ड्रामे तो आप अभी कर ही रहे हैं, तो वो चीज जाती नहीं। ड्रामे अब आप बाहर नहीं कर रहे तो क्या होगा, घर में कर रहे हैं हमारे साथ कर रहे हैं। ये जी पिज्जा हो गया है तैयार और अब हम निकालेंगे इसको। बुम 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 हो गया, ठीक है चलें बस सही है। अब ये तो अब हम जो कटिंग करेंगे तो वो करेंगे इंशाल्लाह। जी तैयार हो गया पिज्जा और इसकी रेसिपी आपसे हो गई है। ये तरीके हार है इसके बनाने, इसका रेसिपी तो इतनी हार्ड होती नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से जो है तरीकेकार प्रोसेस जो है इसका वन बाई वन क्या करना है वो अहम होता है। तो उसको कटिंग करते हुए दिखाना है या ऐसे ही? नहीं बस दिखा दिया, नहीं देखेंगे नीचे से भी। ये देखिए नीचे से हाथ, ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है नीचे से भी, सब ठीक है ना। गुड अंडे वाला कितने का तुम्हारा? ये वाला 110 रुपये। और ये कितने का सादा कर दिया? 80 रुपये। 10 रुपये बढ़ा दिए तुमने? नहीं अंडे वाले में 20 बढ़ा दिए ना। 10 तो 9 के लेके जाते था, ये 100 का था। सर माल महंगे हो गए तो क्या करें, आप सच्चा अंडा महंगा हो गया। ये क्या मिला रहे हो बताते रहो जरा। सर ये चटनी है, दही वाला। दही वाला चटनी है? अच्छा इससे तुम्हारा बर्गर अच्छा हो जाता है। और ये क्या मिला रहे हो? ये प्याज डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है। बहुत तेजी से बनाते हो यार। बताते जाओ तुम्हारा फायदा होगा इसमें, बताओगे तो। तुम्हारा कस्टमर आएगा और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लतीफ है। इधर देखते होता है लतीफ। लतीफ ये क्या लगा रहा है? लतीफ मायनीज लगा है। देख ले जी लतीफ ने मायनीज लगा ली है इस पे। और कितनी स्पीडली लगा रहा है, बहुत जबरदस्त का बर्गर होता है। मैं पहले भी खा चुका हूँ तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ आप लोगों से इसका बर्गर। ये गुलिस्तान है जौहर में, राडो बेकरी जहाँ है, राडो अपार्टमेंट उसके सामने लगाता है। क्या नाम है लतीफ तुम्हारे इसका? इसका नाम है अदनान बर्गर। अदनान बर्गर के नाम से, अदनान बर्गर के नाम से लगाता है लतीफ। और ये रहा इसका बर्गर और ये रही इसकी फुल चॉप। और ये देखो जी ये हो रहा है तैयार। अब इसको सेकोगे नान? जरा अच्छी तरह सेकना यार, मुझे सेका हुआ अच्छा लगता। Thank you.
कितने अरसे से लगा रहा है दान? वो क्या नाम था तुम्हारा? लतीफ। हो गए 4 साल। 4 साल हो गए। वैसे तो मैं जानता हूँ लेकिन इसके लिए पूछ रहा था। हो गए, तैयार हो गए? कुछ कहना चाहोगे? चलो थैंक यू। चले जी, अब टाइम हो गया रेमेडी का, तो आपने रेमेडी को गौर से सुनना है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तक आप गौर से नहीं सुनेंगे, उसको सही से फॉलो नहीं करेंगे, तो उसका कोई असर नहीं होगा, और जब उसका असर नहीं होगा तो हमारे पैसे जाया। तो मैं बता जो रही हूँ, वो रेमेडी है, वो है जो छोटे छोटे से कॉकरोच हमारे घरों में हो जाते हैं, स्पेशली फ्लैट्स में जो रहते हैं उनके यहाँ तो अक्सर हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। वो बहुत अच्छी रेमेडी और बहुत ज़्यादा काम वो ऐसे, जैसे मैंने भी एक मरतबा, मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ हो गए थे कॉकरोच वगैरह छोटे छोटे, तो अब तो अल्लाह का शुक्र है अब तो नहीं है, लेकिन उस घर में मेरे हो गए थे, तो वहाँ जो है वो छोटे कॉकरोच के लिए मैंने, वो मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने वो मैंने अप्लाई किया, तो वाकई वो वर्क करता है। उसमें है, आपने लेना है बोरिक एसिड, वो आपको पता होगा जो कैरम बोर्ड में डलता है, वो लेना है। उसमें लेना है आटा, अगर आप 2 स्पून ले रहे हैं बोरिक एसिड तो उसमें 4 स्पून लेना है आटा, उसमें 2 स्पून लेनी है शुगर और थोड़ा सा मिल्क पाउडर, वो लेके आपने एक वो गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लेना है, वो पेस्ट बनाए या पेस्ट बना लें या आप आटा सा गूंद लें उसका ना, और वो जहाँ जहाँ आपने तो वहाँ वो गोलियाँ छोटी छोटी सी बना के रख दें उन कोनों में, तो आप देखिएगा थोड़े ही दिन में वो कॉकरोच जो छोटे वाले कॉकरोच हैं वो खुद ही मर मर के गिरना ख़त्म हो जाएंगे, खुद ही घर से ख़त्म हो जाएंगे, तो ज़रूर कीजिएगा। वाकई में बहुत वर्क करती है ये रेमेडी। इसके साथ मैं एक और चीज़ बता रही हूँ आपको, अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला का कलाम है, सलाम है, जो हम सात सलाम है, तो उनमें से एक सलाम है ये कीड़े मकोड़ों के लिए, ये है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये आप कसरत से पढ़ें, बस उठते बैठते ये पढ़ते रहें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इसको आप कसरत से पढ़ते रहें, बस जब भी थोड़ी सी आवाज़ के साथ, ऐसा नहीं कि जी बिल्कुल दिल दिल में पढ़ना, नहीं, थोड़ी सी आवाज़ के साथ कि जैसे आपकी आवाज़ इधर उधर जाए घर के अंदर ही, तो उससे आप देखिएगा तमाम कीड़े मकोड़े ये सब चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा है तो कॉकरोच भी ना, कॉकरोच भी तमाम हर तरह के ये जो छोटे, मतलब आप वो इम्प्लीमेंट भी करें केमिकल जो बताया और उसी के साथ ये भी कर लें तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम है, उठते बैठते अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो ज़रूर कीजिए। जी जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि जी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और मैं रिप्लाई भी करती हूँ कमेंट्स का, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे से रिप्लाई भी करती हूँ आप लोगों को, तो काइंडली मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और जो न्यू है एक बार फिर जो न्यू आ रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मेरा हर व्लॉग आपके आप तक पहुँचे, जो भी उसमें अच्छी बात है वो आप तक पहुँचे, जो मेरी रेसिपी है वो आप तक पहुँचे, क्योंकि कोई कोई चीज़ें मैं बहुत डिफरेंट स्टाइल में बना रही होती हूँ, तो वो आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत बहुत ज़रूरत है, पता नहीं अल्लाह पाक किसके आमीन में मेरे लिए बेहतरी लिख दे, तो काइंडली काइंडली प्लीज़ आप लोग ज़रूर दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।